का बढ़िया चीज है तो बॉर्डर पर से कैसे आ जाता है यहाँ? आप किसे दोषी मान रहे हैं? हम नीतीश को दोषी मान रहे हैं। आईपी लोग पीते हैं, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो, चाहे वो जो है ना, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, सभी लोग कुछ ना कुछ पीते हैं। कभी शराब भी जो है ना, देखिए कोई भी पार्टी में जरा सा भी रहता बनाती है, यह है जरा सा दो पैक पी लिया, आराम से इंजॉय करता है लोग, डांस किया, ये किया, डायलॉग बोला, बिहार सरकार के द्वारा सूबे में जो है शराबबंदी का आह्वान किया गया। ऐसे में सरकार के द्वारा जो है शराबबंदी को सफल बनाने के लिए तरह तरह के अभियान भी चलाए गए, लेकिन हाल की अगर बात करें तो विधानसभा शीतकालीन विधानसभा सत्र में जो है शराबबंदी को लेकर कलह का माहौल बन गया और विपक्षी दल भाजपा की ओर से शराबबंदी को हटाने की मांग भी हुई। हमारे साथ कुछ लोग हैं और भागलपुर के संडिस कंपाउंड में हम मौजूद हैं, जहां हम बातचीत करेंगे कुछ बुद्धिजीवियों से जो बताएंगे हमें कि क्या शराबबंदी सफल है या फिर इसमें कुछ संशोधन की बात सामने आनी चाहिए। तो हम पूछना चाहेंगे, अंकल बताइए क्या नाम है आपका? नंदकिशोर ठाकुर जी। आप यहीं भागलपुर के रहने वाले हैं। शराबबंदी है पूर्ण रूप से बिहार में और इसको लेकर के सरकार के द्वारा जो है तरह तरह के अभियान भी चलाए गए हैं, तो कैसा ऐसे देख रहे हैं, कहाँ तक सफल मानते हैं ये सफल? इसमें तो पहला सरकार को जहाँ तैयारी हो रहा है शराब, पहले उसको बंद करना चाहिए, है ना, पहले तो उसको बंद करवाना चाहिए। अब पीने की जहाँ तक सवाल है, तो मिल रहा तो पी रहा है, नहीं मिलता तो पीबे नहीं करता। अच्छा, जहरीली शराब से लोगों की मौत हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो है प्रशासन की भी लापरवाही सामने लापरवाही है, पूरा लापरवाही है प्रशासन के, इसमें उस पर ध्यान देना चाहिए सरकार को। अच्छा, कुछ और लोग हैं। अंकल ये बताएं कि शराबबंदी लागू है, लेकिन इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं जो विपक्ष है, अभी शीतकालीन सत्र की अगर बात करें तो शराबबंदी को हटाने की मांग हुई, विधानसभा रद्द करने की बात हुई, कहां तक इसे जायज मान रहे हैं कि शराबबंदी जो है सफल? नहीं, सफल तो नहीं है, शराबबंदी होना जरूरी है, इसमें नियम कानून कुछ बदला जाए हाँ, तब जाके इसमें कुछ संशोधन करके इसको सुचारू रूप से चलाया जाए। और जहां तक मैंने पॉइजनस जो चल रहा है शराब, उस पर रोक के लिए सघन इसका इंक्वायरी करके उसको रोका जाए तो ये काम सक्सेस हो सकता है। अच्छा, ये भी बात सामने आती है कि मतलब जो शराब है, जो बॉर्डर एरिया जहाँ पे सील किया गया है सरकार के द्वारा, तो बॉर्डर एरिया से आखिर शराब जो है वो बिहार के अंदर प्रवेश कैसे करती है, इसमें दोषी आप किसे मान रहे हैं? क्या प्रशासन? अभी तो प्रशासन का लापरवाही है इसमें, सीधी बात है। हम लोग एडवोकेट हैं, हम लोग तो देखते रहते हैं हमेशा। अच्छा सर, एक बात और कि कुछ ऐसे समाज भी हैं जो कि मतलब इन कारोबार में जो हैं पूरे तरह से इन्वॉल्व्ड हैं और नीरा ताड़ी वगैरह का भी व्यापार करते हैं, कुछ ऐसे समाज के भी लोग हैं हमारे बीच? तो नीरा को तो जैसे छूट दे दिया गया गोम के कि मॉर्निंग में नीरा ठीक है उसको चलाया जाए, लेकिन वही अगर धूप हो जाता है तो वही फिर हो जाता है नशा, उसको लोग फिर नशु कर देते हैं। कुछ और लोग कल ये बताएं कि बिहार में पूर्ण रूप से शराबबंदी है और इसको लेकर के अब जो है कहीं ना कहीं देखा जाए तो शुरुआती दौर में जो है वो शराबबंदी सफल रहा, लेकिन इसके बाद जो है इसमें संशोधन की बात सामने आने लगी, लोग शराबबंदी को हटाने की मांग करने लगे, कैसे देख रहे हैं इसे? देखिए, शराबबंदी तो बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन इसका रिसोर्सेस बंद होना चाहिए, कहाँ से आता है, उसमें गलत चीज़ मिला करके लोग जहरीली शराब बन जाता है, जो पीते हैं और उनका डेथ हो जाता है, इसको रिसोर्सेस को बंद होना चाहिए, इसके लिए पुलिस प्रशासन सब सक्रिय होना चाहिए, कहाँ से आता है क्यों, उस पर लगाम लगनी चाहिए। और शराबबंदी तो बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो नीतीश कुमार का बहुत अच्छा प्लानिंग है, अब इसका दुरुपयोग कर रहा है तो इसमें बंद ही मेन है, इसको बंद होना चाहिए। नीतीश कुमार का बढ़िया चीज़ है तो नीतीश कुमार बॉर्डर पर से कैसे आ जाता है यहाँ? आप किसे दोषी मान रहे हैं? हम नीतीश को दोषी मान रहे हैं। क्या नीतीश कुमार बॉर्डर पर जाकर के हर एक वाहनों की अगन जांच करेंगे क्या? हाँ, नहीं करेंगे, प्रशासन करेगा तो प्रशासन को वो क्लैरिटी देगा तब ना जांच करेगा। प्रशासन वो जोर से करिए ना रहा, कैसे आ रहा है? डेली आ रहा है, ट्रक आ रहा है दारू और जोर से जी, मैंने कुछ नहीं उसका व्यवस्था हो रहा है। विपक्षी दल के समर्थक है क्या? है? आप विपक्षी दल के? हाँ, विपक्षी दल के सदस्य हैं।
तो क्या इस शराबबंदी है कानून जो लगाया हुआ है वो उसको सफल नहीं मान रहे? वो ठीक है, लेकिन नीतीश सरकार जो है जो इसको बंद नहीं कर सकेगा, ये चालू रहेगा। सब जज और जो है जो प्रशासन मोटा हो गया कमा कमा करके पैसा ढेर है, अधिकारी भी संलिप्त, हाँ सब अधिकारी सब नीचे से ऊपर तक सबको पैसा लेता है, है तब ना, नहीं तो कैसे बंद हो जाता? आता है उस सबके मिले भगत से ना, पैसा जो जा रहा है वहाँ उस दारू वाले के ट्रक को पकड़ता है, सब पैसा देता है सब ऊपर। अच्छा, लोग मर रहे हैं जहरीली शराब पी के, तो क्या लगता है कि क्या करेगा? धोखाधड़ी में डर से मारे जो है जो छिपा करके लाता है, क्या है जहर है कि दारू है, उसको पी जाता है बेचारा, मर जाता है। अच्छा, इसमें संशोधन होना चाहिए? संशोधन होना चाहिए, क्योंकि जो कई ऐसे पॉलिटिकल लीडर हैं जैसे पप्पू यादव जी भी अभी बयान दिए थे, उन्होंने कहा था कि शराबबंदी एक सफल प्रयास है सरकार की, लेकिन इसमें संशोधन होना चाहिए। क्या नाम है आपका? निरंजन प्रसाद सिंह। क्या करते हैं सर आप? कुछ ना, बैठे हुए घूमते फिरते हैं। सर बताएं, शराबबंदी है बिहार में और सरकार जो है शराबबंदी के लिए लगातार अभियान चला रही है और लगातार लोगों को जो है जागरूक भी किया जा रहा है कि शराबबंदी हो, तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, शराबबंदी जो है ना, शराबबंदी यदि पूरे इंडिया में रहता तब हम मानते कि शराबबंदी है। शराबबंदी सिर्फ बिहार में रहने से हमारे पड़ोसी राज्य हैं, हमारे पड़ोसी राज्य है बंगाल है, यूपी है, सब जगह जब चालू है तो कभी भी शराब बंद नहीं हो सकता है, चाहे सरकार कितना भी प्रयास कर ले। और एक वाइन एक ऐसा चीज़ है ना, एक से एक वीआईपी लोग पीते हैं, चाहे वो आईएएस आईपीएस हो, चाहे वो जो है ना, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, व्यापारी हो, सभी लोग कुछ ना कुछ पीते हैं। कभी कुछ लोग जो है सिर्फ पार्टी में पीते हैं, ऐसा भी है, ओकेजनल पीते हैं। तो और इससे रेवेन्यू का भी लॉस हो रहा है, हर महीना 2 से 3 हज़ार करोड़ रेवेन्यू का लॉस हो रहा है। अच्छा, और भी जो अतिरिक्त नशा है, जो नशीली पदार्थ है, जैसे कि मेडिकल नशे हैं, नशा में सबसे बढ़िया नशा शराब, इसका प्रचलन बढ़ गया है। और शराबबंदी यदि चालू कर जाए, कोटा पर ही दे, दो ही बोतल दो, एक ही बोतल दो, आप आधार पर दो, हमें कोटा पर दे, और उससे रेवेन्यू भी बढ़ेगा, रोजगार भी बढ़ेगा, और लोग जो है ना चोर की तरह नहीं पियेंगे, है ना, एक बढ़िया एक जो है ना सही व्यक्ति की तरह पियेंगे। चलो भाई अपना, हाँ जो रोड पर नंगागिरी करता है उसके लिए कार्रवाई होना चाहिए, उसको फाइन कीजिए एक बार में 5,000, दूसरे बार में 10,000, तीसरे बार में 15,000, तो जगह बंद हो जाएगा, रोड पर बंद हो जाएगा। यानी आपके हिसाब से कि शराबबंदी कानून में संशोधन एकदम होना चाहिए, संशोधन, और शराब को चालू होना चाहिए, है ना। शराब भी जो है ना, देखिए कोई भी पार्टी में जरा सा भी रहता बराती है, यह है जरा सा 2 पैक पी लिया, आराम से इन्जॉय करता है, लोग डांस किया, ये किया, डायलॉग बोला, शराब कितना बढ़िया, लोग मरते जो है ना, लोग मरते जो सब देखिए मरता है, इसलिए यदि चालू हो जाएगा नहीं मरेगा। शराब आज से नहीं चल रहा है, जमाने से चल रहा है, जहाँ ना राजा महाराजा भी चाय सुरा पान करते थे, है ना, ये मत नहीं कि आज ही से शराब चल रहा है। शराब जो है एक अच्छा ही चीज, खराब नहीं है, हेल्थ के लिए भी बढ़िया होता है, नींद अच्छी आती है ना, कोई खराब चीज नहीं है ये। सरकार से क्या मांग करेंगे कि शराब में संशोधन होना चाहिए, हाँ लिमिटेड कोटा में हो, हाँ जो दंगागिरी करे उस पर एक्शन होना चाहिए, है ना, लेकिन हाँ एकदम बंदी नहीं होना चाहिए, चालू होना चाहिए। मेरा नाम मुकुंद कुमार सिन्हा है, मैं रिटायर्ड प्लान मैनेजर हूँ, है ना। तो जैसे देखा आपने कि जो यहाँ पे मतलब बुजुर्ग वर्ग के लोग हैं उनका क्या कहना है, हमने आपको सारी जानकारियाँ साझा किया। कुछ लोगों का ये कहना है कि शराबबंदी एक सफल प्रयास है सरकार के द्वारा, जो ये लागू किया गया जो बिल है उसको लेकर के जो है सब लोगों ने इसे सराहा है। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि शराबबंदी कानून में संशोधन होना चाहिए। खैर, ये आगे देखने वाली बात होगी। भागलपुर से सिल्क टीवी के लिए इशुराज।